बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो तमाम जहानों का रब है। तैमूर वॉइस चैनल के नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। आज हमने इस वाक़ियात की दुनिया में जिस वाक़िए को जगह दी है वो है अल्लाह देख रहा है। चले बढ़ते हैं अपने मौजू की जानेब। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक शख्स रहता था, उसका नाम अब्दुर्रहमान था। इसके तीन बेटे थे, तीनों अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे और वालिद भी अपने तीनों बेटों से बहुत मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा अब्दुर्रहमान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनको एक एक सेब दिया और कहा कि इस सेब को ऐसी जगह खाओ जहाँ तुम्हें कोई ना देख रहा हो। जो ऐसा करने में कामयाब हो गया मैं उसे इनाम दूंगा। तीनों बेटे वालिद को अल्लाह हाफिज़ कहकर उनसे दुआएं लेकर घर से निकल गए। दूसरे दिन अब्दुर्रहमान ने अपने बेटों को बुलाया और बारी बारी सबसे पूछा। सबसे पहले बड़े बेटे अब्दुल्ला से पूछा, क्या तुम इसको ऐसी जगह खाने में कामयाब हो गए हो जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जान, मैंने वो सेब एक दरख्त के पीछे जाकर खाया, मुझे कोई नहीं देख रहा था। फिर अब्दुर्रहमान ने अपने दूसरे बेटे से पूछा, यूसुफ तुम बताओ तुमने क्या किया। यूसुफ ने कहा, अब्बा जान मैंने वो सेब कमरे में बंद होकर अंधेरे में खाया और मुझे यकीन है वहाँ मुझे किसी ने नहीं देखा। अब्दुर्रहमान ने तीसरे बेटे से पूछा, सलीम तुम बताओ तुमने क्या किया। सलीम ने कहा, अब्बा जान मैंने किताबे इस्मे हसना में पढ़ा है, अल्लाह का एक नाम है अल बसीर, हर एक को हर हाल में देखने में बहुत सोचा और तलाश किया लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह ना मिली जहाँ मेरा अल्लाह मुझे ना देख रहा हो। अल्लाह तो हर जगह देखते हैं इसलिए मैं एक सेब ना खा सका। अब्दुर्रहमान ने अपने सबसे छोटे बेटे की अकलमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसको इनाम दिया। फिर अब्दुर्रहमान ने अपने बेटों से कहा, मेरे प्यारे बेटों, बेशक अल्लाह हम सबको हर वक्त हर जगह देखता है, हमारी बातों को और जो हमारे ख्यालात हमारे दिल में आते हैं उनको भी जानता है, यानी वो दिलों के छुपे हुए राजों को भी जानता है। अल्लाह की नाफरमानी से हर वक्त बचो और अल्लाह के सारे अहकामात पर अमल करो जिस पर अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए और तुम दुनिया में राहत सुकून इत्मीनान अता करेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे जहाँ इंसान जो चाहेगा करेगा। इंसान के दिल में जो चाहत होगी वो पूरी हो जाएगी। जन्नत में हम एक परिंदा देखेंगे, उसे खाने का जी चाहेगा तो वो फौरन भूनकर प्लेट में आ जाएगा। फिर इसकी हड्डियों पर अल्लाह दोबारा गोश्त और पर लगा देंगे और वो उड़ जाएगा तो वहाँ जन्नत में मज़े ही मज़े होंगे।